हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप अच्छे ही होंगे और आपके घर पे सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपके बीच एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों सब चाहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी दूसरों से अच्छी रखें, बट हमें करनी नहीं आती। करें तो करें कैसे? चलो कोई नहीं, आज मैं बताता हूँ कैसे करनी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे अच्छी। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट शुड बी प्रॉपरली। जैसे हमारे सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा हो और हम उसको इग्नोर कर रहे हो, हम सुन तो रहे हैं पर अपना मुंह नीचे करके सुन रहे हैं या साइड में देख रहे हैं या कुछ हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। हमें उसकी आंख से आंख मिला के सुनना चाहिए जिससे कि उसको भी लगे कि हाँ हम वो हमारा सुन रहा हो। इससे हमारा कनेक्शन स्ट्रोंग होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, नॉर्मल स्माइल ऑन द फेस। आपके फेस पे थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो। रूल थर्ड, शेक हैंड करनी चाहिए जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं। ये नहीं कि हमें उसका हाथ पकड़ के बहुत जोर से टाइट करके पकड़ना, नहीं ये गलत है। बस आराम से पकड़ के हाथ मिलाओ और फेस पे थोड़ी स्माइल होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल, मूवमेंट्स ऑफ हैंड। हमारे हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हो, उससे हमारे कन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बनती है। नेक्स्ट रूल, सिट स्ट्रेट, सिट प्रॉपरली। दोस्तों जब हम किसी व्यक्ति के सामने बैठते हैं और वो हमें कुछ बताता है, हमें अपने आप को स्ट्रेट बॉडी रख के बैठना चाहिए। ये नहीं कि हमने अपनी कमर नीचे को झुका रखी है, इससे हमारा बैड इम्प्रेशन पड़ता है दूसरों। नेक्स्ट रूल, नो लैग मोमेंट। दोस्तों जब हमारे सामने कोई व्यक्ति कुछ एक्सप्लेन करता है और हम पैर पे पैर रख के बैठ जाते हैं या पैर हिलाने लगते हैं, तो ये चीज़ गलत इम्पैक्ट डालती है। दोस्तों हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए, हमारे लेग्स भी हिलने नहीं चाहिए। नेक्स्ट रूल, बॉडी शुड बी स्ट्रेट। दोस्तों हम जब किसी के सामने खड़े होते हैं या बैठते हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी बॉडी झुक रही है आगे को या पीछे को या साइड में, थोड़ा साइड में सपोर्ट लेके बैठे हैं, नहीं दोस्तों ये गलत चीज़ है, इनसे बहुत गंदा इफेक्ट जाता है। दोस्तों यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें दूसरों के सामने गंदा बना देती है, बेकार बना देती है। नेक्स्ट रूल, ऑलवेज कॉन्फिडेंट। दोस्तों जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ मन में ये रहना चाहिए कि हम 100% सही हैं और हम अच्छा करेंगे। हमें डरना नहीं चाहिए कभी भी किसी से। अगर दोस्तों हम डरेंगे तो हमारा रिजल्ट बेकार आएगा, अगर हम कॉन्फिडेंट रहेंगे तो हमारा 100% रिजल्ट आएगा। इससे बहुत अच्छा इफेक्ट जाता है सामने वाले पे। दोस्तों अगर हम कभी इंटरव्यू में जा रहे हों तो बाहर खड़े हों और हम सोच रहे हों कि यार सामने वाले आज जो इंटरव्यू लेगा उसके सामने हम क्या बोलेंगे क्या नहीं, कि हम पे बोला जाएगा या नहीं, दोस्तों ये सब गलत है। दोस्तों हमें अंदर से 100% कॉन्फिडेंट दिखाना चाहिए, बार बार मन में 100% कॉन्फिडेंट आना चाहिए। दोस्तों यही सब हैं सारी चीज़ें। दोस्तों ये सारे हैं रूल्स, इन्हें फॉलो करने से हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, प्यार ज़रूर दिखाना अपना।